नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुष्कल चौबे एंड आई एम अ योगा ट्रेनर। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा योगा सेशन एटिकेट्स के बारे में, अर्थात योगा सेशन के समय एक योगा प्रैक्टिशनर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे उनकी क्लास बिना डिस्टर्बेंस के बेहतर चल सके, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन है बी ऑन टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि हमें टाइम पे आना चाहिए, ये किसी भी क्लास का एक नियम होता है, ताकि हमें योगा क्लास में आने वाले जो बाकी लोग हैं जो पहले से वहाँ पर सेट हो चुके हैं अपने अपने मैट्स पर, उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए टाइम पर आना चाहिए। पॉइंट नंबर टू है अटेंड द प्रेयर। आपको योगा सेशन के पहले जो होने वाली प्रेयर है उसको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। प्रेयर से हम फोकस्ड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए जो करने के लिए हम वहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए प्रेयर को आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। टाइम पर आए, प्रेयर ज़रूर अटेंड करें। पॉइंट नंबर थ्री, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। हमेशा आपको योगा सेशन में अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखना चाहिए, ताकि मोबाइल बीच में बजे ना और दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि योगा क्लास वो बिल्कुल शांत होती है, दूसरे फिटनेस रिजीम से काफ़ी अलग होती है। इसलिए योगा क्लास में आपका मोबाइल फ़ोन ना बजे, इसलिए शुरू में ही आपको क्लास के पहले ही मोबाइल फ़ोन अपने स्विच ऑफ कर देने चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला होगा तो आप अपने ट्रेनर से, अपने मास्टर से परमिशन लीजिए, उसके बाद क्लास से बाहर जाकर आप बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, पुट योर मैट जेंटली। जब भी आप योगा क्लास में एंटर करते हैं और अपना मैट बिछाते हैं योगा करने के लिए, तो मैट को बहुत जेंटली रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट आते हैं या अगर आप टाइम पे भी आते हैं तो मैट को कुछ लोग जो पटक के रखते हैं जिससे आवाज़ आती है, तो ऐसा पटकना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत जेंटली स्मूदली उसे अपने बिछाएं और बहुत जेंटली उस पर बैठ जाइए, ताकि क्लास को डिस्टर्ब ना हो। पॉइंट नंबर फाइव, डोंट स्टेप ऑन द मैट। कभी भी याद रखें, जब आप एंटर करते हैं एक योगा क्लास में, तो कभी भी दूसरों के मैट पर पैर आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि योगा मैट बहुत पवित्र माना जाता है। हम उस पर लेट कर आसन करते हैं, पेट के बल या पीठ के बल, इसीलिए कभी भी दूसरों के मैट पर पैर नहीं रखना चाहिए। स्पेशली अपने मास्टर या टीचर के मैट पर तो भूल कर भी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती है एक योगा प्रैक्टिशनर के लिए। इसलिए याद रखें, कभी भी दूसरों के मैट पर पैर ना लगाएं। पॉइंट नंबर सिक्स, डोंट टॉक अननेसेसरीली। कभी भी ध्यान रखिए, आपको योगा की क्लास में कभी अननेसेसरीली बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योगा की क्लास है वो बहुत शांत होती है, दूसरे फिटनेस रिजिम से काफ़ी अलग होती है। उसमें फोकस करना होता है, इंस्ट्रक्शन पे अपने आसनों को फील करना होता है, इसीलिए उसमें अनावश्यक बातचीत नहीं करनी चाहिए, ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो और दूसरे अपने आसनों पर फोकस कर सकें। पॉइंट नंबर सेवन, गिव योर सजेशन एट द एंड ऑफ द सेशन। मान लीजिए, अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं अपने ट्रेनर को, अपने मास्टर को, या कुछ भी और सजेशन देना चाहते हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, हमेशा उस चीज़ का डिस्कशन सेशन के फिनिश होने के बाद अपने ट्रेनर से जाकर पोलाइटली आप कर सकते हैं। सेशन के बीच में ये चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उससे वापस वही बात होती है कि डिस्टर्बेंस होता है और जो फ्लो है क्लास का वो टूट जाता है। इसीलिए कुछ भी अगर आपको बात करनी हो टीचर से, तो सेशन के एंड में जाकर करें। पॉइंट नंबर एट, डोंट आर्ग्यू विथ अदर्स ड्यूरिंग क्लास। कभी भी ध्यान रखिएगा, बिना रीज़न के किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें क्लास के बीच में। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं देखता हूँ अपनी क्लास में कि एसी चलनी चाहिए या एसी नहीं चलनी चाहिए, सबकी डिमांड अलग अलग होती है, सबकी नीड अलग अलग होती है, तो कोई बोलते हैं एसी चालू करिए, कोई बोलते हैं एसी बंद करें, विंडो खुली रखें या विंडो बंद करें। तो इसी तरह से हमको सबकी नीड को ध्यान में रखना चाहिए, सबकी जो लिमिटेशंस हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम है फिजिकल मेंटल, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें जो क्लास के लिए, जो सबके लिए बेस्ट हो, वही चीज़ हमें करनी चाहिए। पॉइंट नंबर नाइन, डोंट एंटर और लीव ड्यूरिंग शवासना विदाउट परमिशन। कभी भी शवासन या जब हम मेडिटेशन कर रहे हो, तो बिना मास्टर के परमिशन के आपको अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि शवासन है वो, उसमें पिन ड्रॉप साइलेंट की ज़रूरत होती है, या योगा निद्रा के समय या ध्यान के समय जब हम करते हैं तो उस समय पिन ड्रॉप साइलेंट ज़रूरी होता है। तो उस समय अगर आप एंटर करते हैं या सेशन को बीच में छोड़ के अगर आप जाते हैं, तो दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें कि आप बाहर ना जाएं, या उस समय आप एंटर ना करें, उसके पहले ही आप आ जाएं सेशन में, या अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ काम है, तो मास्टर को पूछ के ही क्लास को लेफ्ट करें या एंटर करें। पॉइंट नंबर टेन है, रैक द मैट प्रॉपरली। कभी भी योगा सेशन जब आप फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको मैट को उनकी प्रॉपर उसी जगह पर रखना चाहिए जहां से मैट आपने उठाया था, और बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से उसे रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैट का हम सम्मान करते हैं, हमारे से जुड़ी चीज़ों की हम पूजा करते हैं, और एक योगा प्रैक्टिशनर को अनुशासन में रहना चाहिए हमेशा, इसलिए बहुत विनम्रता के साथ जहां से आपने मैट उठाया था उसी विनम्रता के साथ आपको मैट को उसी यथास्थान पर रखना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके सारे पॉइंट्स आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और अपनी क्लासेस को परफेक्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।